मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं एक जूनियर क्लास का क्लास कराऊंगा और आज का टॉपिक है आप लोग के सामने, और जितने भी मेरे चैनल को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और कमेंट करें। और ओके, मैं इस वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक है पर्सन, है ना। आज का टॉपिक है पर्सन। पर्सन मतलब होता है पुरुष। क्या होता है? पुरुष। पर्सन मीन्स क्या होता है? पुरुष, है ना। आज का टॉपिक है पर्सन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग को दिक्कत ना हो देखने में। पर्सन मीन्स क्या होता है? पुरुष। क्या होता है? पुरुष, है ना। पुरुष पुरुष कहते किसे बताइए, है ना। सबसे पहले देखेंगे पर्सन क्या है। पर्सन, है ना। यहाँ पर देखेंगे पर्सन को हम लोग अंग्रेजी में तीन भागों में पढ़ते हैं, है ना। हम पर्सन को कितने भागों में पढ़ते हैं बताइए? तीन भाग। पर्सन पर्सन जब पढ़ते हैं तो तीन भाग में पढ़ते हैं, है ना। कौन कौन भाग में? तीन भाग में, समझिएगा। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन, है ना, और तीसरा थर्ड पर्सन, है ना। देखिए थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, ध्यान में रखना। ओके, तो मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन मीन्स होता है पुरुष। तो पुरुष तीन, पुरुष आजकल तीन भागों में पढ़ते हैं, है ना। वो पुरुष नहीं जो हम लोग देख रहे हैं। पुरुष होता है फर्स्ट पर्सन, मतलब होता है प्रथम पुरुष, है ना। सेकंड मतलब मध्यम पुरुष, और थर्ड मतलब उत्तम पुरुष, है ना। हिंदी होता है। क्या हो गया फर्स्ट पर्सन मीन्स? क्या हो गया फर्स्ट पर्सन मीन्स? प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन उत्तम पुरुष, है ना। लिख सकते हैं प्रथम पुरुष, है ना। सेकंड पर्सन मीन्स उत्तम पुरुष, है ना। उत्तम पुरुष। थर्ड पर्सन मीन्स क्या होता है? सॉरी, सेकंड पर्सन मीन्स होता है मध्यम पुरुष, है ना। क्या होता है? मध्यम पुरुष। थर्ड पर्सन मीन्स क्या हो गया? उत्तम पुरुष, है ना। या इसको अन्य पुरुष भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, है ना। समझे ना, अन्य पुरुष। देखिएगा पर्सन मतलब होता है पुरुष, और पर्सन के कितने भेद हुए? तीन हुए। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष किसको कहेंगे, है ना। प्रथम पुरुष किसको कहेंगे बताइए? प्रथम यानी फर्स्ट पर्सन को कहते क्या? देखिएगा फर्स्ट पर्सन मीन्स होता है जो कहने वाले को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। सुनने वाले को सेकंड पर्सन। जिसके बारे में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन, है ना। जैसे सपोज मान लिया जाए, अभी तीन आदमी है, मान लिया तीन को आदमी है, है ना। ये तीन आदमी बोलेगा ये हो गया फर्स्ट पर्सन। क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। ये क्या हो गया? सेकंड पर्सन। ये क्या हो गया? थर्ड पर्सन। समझेंगे? ये अपनी अपने मुंह से इसको बात इसको बोल रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है बंदा? सुनने का काम करता है ना। ये क्या काम करता है? सुनने का काम करता है। और ये तो सुनने का काम कर रहा है, लेकिन ये कहता किसको बारे में? इसको बारे में, है ना। तो देखो कहने वाला फर्स्ट पर्सन, और जिसके बारे में कहा जा रहा है इसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में कहा जा रहा है। जैसे क्या कहेगा कि सोनू, देखिएगा मोहन बहुत अच्छा लड़का है, है ना। मान लिया यहाँ पर तीन को नाम देंगे आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं हूँ, है ना, मैं और तुम, यहाँ पर राम, है ना। मैं राम के बारे में कहता हूँ किससे? तुमसे कह रहा हूँ। मैं राम के बारे में तुमसे कह रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ ना किसके बारे में? राम के बारे में। किससे? तुमसे। तो तुम सुन रहा है कि कह रहा है? आप लोग सुनते हैं, है ना। आप लोग क्या करते हैं जी? सुनने का काम करते हैं। लेकिन जिसके बारे में हम लोग कह देंगे वो क्या देंगे? थर्ड पर्सन। और जब मैं कहूंगा तो क्या हो जाएगा, है ना, फर्स्ट पर्सन। समझ में आ गया बेटे? तो यहाँ पर देखेंगे ये तीन को हमको एक पर्सन पढ़ने को मिला, है ना। और सबका बारी बारी से भेद लिखाएंगे, है ना, समझे। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो मैं बारी बारी से तीनों का भेद लिखा देता हूँ, ठीक है। आप पहला लिखेंगे फर्स्ट पर्सन। पहला क्या लिखेंगे? फर्स्ट पर्सन, है ना। फर्स्ट पर्सन लिखे डाल दीजिए, है ना। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? मैं लिखते हैं यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा लाइट चला गया है, बारिश हो रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत लगा हुआ दिखने में बोर्ड का। यहाँ पर तीनों का
तीनों का एक शॉर्ट भेद लिखा है, अभी लॉन्ग भेद नहीं लिखा गया। शॉर्ट भेद में जिसके बारे में बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं, जिसके बारे में कहा गया उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, चलेंगे थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब तीनों का एक एक बारी बारी से एग्जाम्पल भी लिखा है ना, पहले इतना लिख लेंगे, राइट है, चलेंगे। देखेंगे फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल आई के आई बी होता है ना, आई बी, जैसे आई बी देखिएगा, समझेगा ना, फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल में समझा रहे हैं, जैसे आई बी क्या होता है फर्स्ट पर्सन, है ना, जैसे कॉलम में समझाते हैं आपको, यहाँ पर देखिएगा, आप लोग शायद पढ़े होंगे, इधर आप लोग पर्सन पढ़ते थे ना, पर्सन पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, पर्सन पढ़ते थे ना, तो पर्सन पढ़ते थे तो शायद आपको याद होगा फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नाम सिंगुलर होता था या प्लूरल होता था, सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते थे, तो सिंगुलर में क्या आता था, आई या बी आता था, फर्स्ट पर्सन में आया, अरे आया ना, फर्स्ट पर्सन में आया था, सेकंड पर्सन में क्या हो गया था, यू आता था, और यू की यू आता था, फर्स्ट पर्सन का सिंगल नंबर में यू, और पूरा नंबर में यू, थर्ड पर्सन पढ़ते थे इसी इतने पढ़े ना, इसी इतने, और इतना क्या हो गया, दे या द बॉय, है ना, द बॉय, ये आप लोग पढ़े होंगे, है ना, जैसे थर्ड पर्सन के सिंगल नंबर में ही सी इतने आता था, और पूरा नंबर में क्या आता था, बताइए, है ना, तो वही आई आई हो गया फर्स्ट पर्सन के, है ना, फर्स्ट पर्सन के सिंगल नंबर हो गया, ये क्या हो गया, पूरा नंबर, है ना, क्या हो गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन के सिंगल नंबर में आई है, पूरा नंबर में बी, तो आई के बड़ी आई का और भी रूप होता, आई के बदले में मी, माई, माइन, माई से, पता है ना, अगर ये सब आपके सेंटेंस में कहीं नजर आ गया, पर्सन के सेंटेंस में बनाने के लिए चुनने के लिए, तो ये सब भी अगर आएगा तो इसको फर्स्ट पर्सन सीधे आप मन के लिख लीजिएगा, है ना, ये फर्स्ट पर्सन के सिंगल नंबर में आते हैं, ठीक है ना, सेकंड पर्सन के बी हो गया, तो बी में प्लूरल होता है, प्लूरल के फॉर्म भी आवर्स आवर आवर आवर्स आवर्स से होते हैं, राइट है, अधिकार किसी प्रकार के नहीं, तो आप देखिएगा सेकेंड पर्सन के लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन के बारे में समझेंगे, सेकेंड पर्सन होती क्या है, जिसे मध्यम पुरुष के बारे में, सेकेंड पर्सन के क्या होगा बताइए, है ना, तो पहले फर्स्ट पर्सन के लिखेंगे, उसके बाद सेकेंड पर्सन के समझाते हैं, तो समझेंगे यहाँ पे, है ना, देखेंगे सेकेंड पर्सन समझाते हैं, सेकेंड पर्सन के सिंगल नंबर फोन नंबर दोनों एक ही होता है, ठीक है ना, यू 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 के फॉर्म होते हैं, यू के अलग अलग रूप होते हैं, यू के योर 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 सेल्फ योर सेल्फ, है ना, योर सेल्फ, है ना, योर क्या होगा, योर सेल्फ सेल्फ, है ना, यहाँ पर देखिए बताते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेल्फ होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए था, सेल्फ, यहाँ पर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ हो गया कौन सी, सिंगुलर, सिंगुलर के प्लूरल, है ना, योर के योर, है ना, योर के योर, सिंगुलर के प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, है ना, समझे ना, नंबर में भी पढ़ने को मिला फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, है ना, और एक पर्सन और बाकी रह गया, दो पर्सन को लिखाते हैं अभी कुछ तरीके, है ना, चलेंगे लिखेंगे पहले इतना सेकंड पर्सन तक, थर्ड पर्सन लिखाते हैं अब यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग समझ रहे हैं, और पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, और कमेंट जरूर दें कि सर की पढ़ाई कैसी लगती है, यहाँ पे एक टीचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लास दे रही है, और मेरा सरकार बढ़ेगा तो मैं लाभ भी ना होगा, और आप लोग का प्यार अगर रहा तो मैं ऑनलाइन क्लास आपको फ्री में भेज दूंगा, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, अभी पढ़ा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन लिखा है, जरा थर्ड पर्सन, है ना, मतलब होता है उत्तम पुरुष या आम पुरुष, थर्ड पर्सन क्या, उत्तम पुरुष या आम पुरुष, समझिएगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है उसके बारे में लिखा है जरा, है ना, जैसे समझिएगा आई आई बी यू, आई आई का फॉर्म और बी का फॉर्म, और आई आई का फॉर्म, बी का फॉर्म, आई यू का फॉर्म छोड़ाकर बाकी जितने भी आते हैं वो थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है, कौन पर्सन में आते हैं, थर्ड पर्सन में, जैसे आई का रूप मैंने लिखा है ना, और बी का रूप और यू का रूप, है ना, आई बी कौन सी हो गया, फर्स्ट पर्सन, यू क्या हो गया, सेकंड पर्सन, ये दोनों को छोड़ा के और बाकी जितना नजर आएगा वो क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन, आई का फॉर्म कौन सी कौन सी हो गया, माई माई और माई सेल्फ, है ना, ये सब हो गए, और बी का एस आवर आवर, ये सब को छोड़ा कर यू का योर योर, यू का योर 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 सेल्फ योर सेल्फ, ये सब अगर अगर नजर कहीं नहीं आता है तो समझिए कि वो कौन सी हो गया, थर्ड पर्सन, अगर ये सब आ जाते हैं नजर तो वो हो जाते हैं फर्स्ट या सेकेंड पर्सन हो जाएगा, है ना,
ठीक है, तो थर्ड पर्सन के बारे में लिखाते हैं, थर्ड पर्सन में ही सी की नेम होता है, ही का भी फॉर्म होता है, सी का भी फॉर्म होता है, इट का भी होता है ना। जैसे नाम भी आपस थर्ड पर्सन में आएगा, नाम कौन सा आएगा, थर्ड पर्सन में आएगा। जैसे राम, किसी जानवर के भी नाम थर्ड पर्सन में आएगा, आएगा ना। जैसे कैट, तो कैट को चल गया थर्ड पर्सन है ना। आपको बोल देगा कि बोलिए डॉग, डॉग कौन पर्सन है जी, थर्ड पर्सन। क्यों, क्योंकि आई बी यू को हम बोले कि ये तीन को छोड़ा के है ना, ये तीनों का फॉर्म छोड़ा के जितना भी बचेगा वो कौन सी में आ जाएगा, थर्ड पर्सन में, राइट है। तो मैं लिख देता हूँ थर्ड पर्सन के बारे में भी, तो थर्ड पर्सन के बारे में आप लोग पहले लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिए। आज का लास्ट टॉपिक दे रहे हैं, फिर कल मैं मिलूंगा इसी टाइम में, और आपको फिर कल इसी तरह एक्सरसाइज बनाने के लिए मैं दूंगा, राइट है। आज का टॉपिक लास्ट में बताता हूँ, आज का ये पर्सन का लास्ट टॉपिक है, बता देते पर्सन समझ गए होंगे आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि पर्सन तीन रूप में पढ़ा जाता है ना, पर्सन तीन रूप में पढ़ा जाता है, पहला पर्सन जिसके बारे में पहला पर्सन जो कहता हो, जो सुनता हो, सेकेंड पर्सन जिसके बारे में कहा जाता है, थर्ड पर्सन, राइट है ना। थर्ड पर्सन किसे कहेंगे, जो कहता हो, जो बोल रहा हो, उसे कुछ करते हैं, थर्ड पर्सन। जो सुनता हो उसे क्या करते हैं, थर्ड पर्सन किसे कहेंगे, जिसके बारे में कहा जाता हो। यहाँ थर्ड पर्सन वही है, ही का फॉर्म है, ही सी का फॉर्म है, इट का फॉर्म है, दे का देम, देयर, देम, देमसेल्फ होता है ना, दिस, दैट, दिस, दोस, समबडी, एनीबडी, ईच अदर, ऑल, नॉन, मेनी, बोथ, राम, सीता, फादर, मदर, काउ, डॉग, स्कूल, सन, स्टार, रिवर, पेन, बुक, ईटीसी। ये सब कौन सी आते हैं, ये सब क्या चीज में आ जाते हैं, थर्ड पर्सन में आते हुआ है ना, ये सब थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, राइट है। तो आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे कि थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, है ना। थर्ड पर्सन मतलब किसको किसको छोड़ा के बाकी सब थर्ड पर्सन आएगा, आई, बी और यू का फॉर्म छोड़ाकर बाकी क्या चीज में आ जाएंगे, थर्ड पर्सन में आएंगे। दे अगर दे बोलेगा, दे भी बोलेगा तो पश्चिम आएगा, थर्ड पर्सन में आएगा, क्या चीज में आएगा, दे का फॉर्म। देखो थर्ड पर्सन के पूरा नंबर होता है, थर्ड पर्सन के पूरा नंबर दे होता है ना, दे क्या चीज में आ जाएगा बताइए, थर्ड पर्सन में आ जाएगा मुझे, है ना। आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं आप लोग से अलविदा लेता हूँ, इसी तरह मैं कल भी मिलूंगा, और मैं मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जरूर लाइक दीजिएगा, और कमेंट जरूर दीजिएगा, आप लोग का प्यार मेरा ही आगे बढ़ावा होगा, ठीक है। बहुत धन्यवाद।